तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल YouTube टिप्स। दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। अब वो गुड न्यूज़ कौन सी है दोस्तों? जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि अब कॉपीराइट का टेंशन खत्म। दोस्तों पहले आप लोग जो भी शॉर्ट क्रिएटर थे, शॉर्ट वीडियो बनाते थे या लॉन्ग वीडियो बनाने वाले व्यक्ति थे, जो अपने वीडियो पर कोई भी म्यूज़िक डालते थे, कोई भी सॉन्ग डालते थे, तो उस पर क्या होता था दोस्तों? अगर उस पर म्यूज़िक डालते थे तो कंपनी का कॉपीराइट क्लेम आ जाता था। आपने जब भी कोई ना कोई किसी ना किसी वीडियो पर कोई भी किसी प्रकार का म्यूज़िक लगाया हो या किसी भी फिल्म का सॉन्ग लगाया हो या कोई भी म्यूज़िक लगाया हो, तो दोस्तों आपके उस वीडियो पर जब भी आप अपने वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करते थे ना, तो उस पर क्या होता था कि उस पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता था। क्यों आता था? क्योंकि वो कंपनी का म्यूज़िक होता था। अब वो म्यूज़िक कंपनी का होने के बावजूद उसमें क्या होता था कि कॉपीराइट क्लेम आ रहा था, और या तो अगर 3 कॉपीराइट क्लेम आने के बाद में अगर उस वीडियो को ना हटाया जाए तो दोस्तों उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक भी आता था। तो दोस्तों क्या होता था कि जनरली जब भी हम कोई वीडियो या शॉर्ट वीडियो अपलोड करते थे तो कॉपीराइट क्लेम या फिर स्ट्राइक आने के बाद में वो वीडियो आगे ही नहीं बढ़ता था। अगर आगे बढ़ भी गया, अच्छे खासे व्यूज़ आ भी गए, तो उसमें क्या होता था कि उसका हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता था। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आपने कोई शॉर्ट वीडियो म्यूज़िक के साथ अपलोड किया या किसी भी बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ में आप लोगों ने वीडियो अपलोड किया होगा, तो आपको कॉपीराइट क्लेम देखने को मिला होगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आपका टेंशन अब खत्म हुआ। आप कोई भी म्यूज़िक आप अपने शॉर्ट वीडियो पर या लॉन्ग वीडियो पर लगा सकते हो। कोई भी किसी प्रकार का बैकग्राउंड म्यूज़िक विदाउट कॉपीराइट क्लेम के आप अपने शॉर्ट वीडियो पर और लॉन्ग वीडियो पर इस्तेमाल कर सकते हो। उस पर कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा और ना ही कोई स्ट्राइक आएगा। दोस्तों कैसे यूज़ करना है म्यूज़िक, ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए वीडियो पर एंड तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि अब कॉपीराइट क्लेम का टेंशन खत्म। कोई भी म्यूज़िक अपने वीडियो पर, आप अपने शॉर्ट वीडियो पर, अपने लॉन्ग वीडियो पर आप लगा सकते हो। दोस्तों जैसे कि सारे लोगों को YouTube के बारे में तो मालूम हो ही गया है कि YouTube ने अब एक नया अपडेट दिया है। पहले का क्राइटेरिया और अभी शॉर्ट वीडियो वालों के लिए भी क्राइटेरिया कंफर्म कर दिया है। दोस्तों पहले लॉन्ग वीडियो वालों के लिए क्राइटेरिया था 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम। तो दोस्तों जैसे कि अब पहले क्या होता था कि शॉर्ट वीडियो जैसे अपलोड करते थे, अगर उसके व्यूज़ अच्छे खासे आ गए और उसमें हमें एक बेनिफिट क्या मिलता था कि हमें YouTube शॉर्ट फंड देता था। तो दोस्तों अब YouTube ने जो नया अपडेट दिया है उसमें शॉर्ट वीडियो क्रिएटर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। दोस्तों उसमें अब क्या होगा कि शॉर्ट जो चैनल है वो भी अब चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होगा, क्योंकि अब चैनल भी मोनेटाइजेशन होगा। पहले शॉर्ट चैनल मोनेटाइजेशन नहीं होता था, लेकिन अब शॉर्ट चैनल भी मोनेटाइजेशन होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले लॉन्ग वीडियो का क्राइटेरिया था 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम, वैसे ही अब नए यूट्यूब ने अपडेट जो लाया है, यूट्यूब ने जो नया अपडेट लाया है वो कौन सा है दोस्तों? अब आप शॉर्ट चैनल भी मोनेटाइज होगा, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया होगा। वो क्राइटेरिया क्या है कि शॉर्ट चैनल वालों के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज़ की ज़रूरत होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अब अपने चैनल को मोनेटाइजेशन में लाने के लिए शॉर्ट क्रिएटर को अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज़ लाना होगा, वो भी 90 डेज के अंदर। 90 दिनों के अंदर अगर शॉर्ट क्रिएटर अपने चैनल पे, अपने वीडियोस पर 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज़ का क्राइटेरिया कंप्लीट करता है, तो अब उसका भी चैनल मोनेटाइज होगा और अच्छा खासा बेनिफिट उसको देखने को मिलेगा। अब वो भी अपने शॉर्ट चैनल से अर्निंग कर सकता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। एक बार फिर से बता देता हूँ कि शॉर्ट चैनल को मोनेटाइजेशन में लाने के लिए अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज़ की ज़रूरत होती है। अगर आप एक ही चैनल पर शॉर्ट वीडियोज़ और लॉन्ग वीडियोज़ दोनों डालते हो, तो आपके लिए दोनों ही क्राइटेरिया बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होंगे। लेकिन आपको दोनों में से सिर्फ एक ही क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो एक साथ डाल सकते हो, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा? तो दोस्तों आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का
अगर आपने क्राइटेरिया पूरा कर लिया तो भी आपका चैनल मोनिटाइज होगा। अगर आप 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज को कंप्लीट करते तो भी आपका चैनल मोनिटाइज होगा। तो दोस्तों ये दोनों शर्तें YouTube की है कि आपको किसी भी क्राइटेरिया को पूरा कर सकते हो। अगर आप एक ही चैनल पर शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो डालते हो तो आप दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया पूरा कर सकते हो तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाइबल होगा। आप अप्लाई कर सकते हो अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए और आप उससे अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हो। अगर शॉर्ट क्रिएटर हो तो आप अपने शॉर्ट वीडियो पर कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसकी थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशन है। दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे म्यूज़िक होंगे जो आपके लिए फ्री होंगे, जो आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, लेकिन कुछ म्यूज़िक जो कंपनी से रिलेटेड है जो अपने म्यूज़िक को फ्री नहीं करना चाहता, तो उनके जो म्यूज़िक है आपको, जैसे कोई सॉन्ग है, कोई म्यूज़िक है, कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक है, तो कुछ ही ऐसे होंगे जिसे आपको परचेस करना पड़ेगा, लेकिन कम दाम में। दोस्तों काफ़ी कम दाम होगा उसका जो आप परचेस कर सकते हो। जब आप उस सॉन्ग को या उस म्यूज़िक को आप परचेस कर लोगे तो दोस्तों अगर आप उसे अपने वीडियो, शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो में आप उसे अप्लाई करते हो और अपने यूट्यूब वीडियो पर डालते हो तो दोस्तों आपको उसमें कॉपीराइट क्लेम का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। यानी कोई भी कंपनी आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं दे सकती, क्योंकि वो वीडियो पर जो आपने म्यूज़िक लगाया है वो आपने परचेस किया है बहुत ही कम दाम में। अब कितने कम दाम में आपको परचेस करने को मिलेगी ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आपको कितने कम दाम में आपको उस म्यूज़िक को परचेस करना होगा। तो दोस्तों अगर आपने जो म्यूज़िक आपको डालना है तो वहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा, आपको ये म्यूज़िक इतने में आपको परचेस करना होगा। तो आपको वन टाइम ही परचेस करना है, आपको बार बार एक ही म्यूज़िक को परचेस नहीं करना है, आपको वन टाइम ही आपको उस म्यूज़िक को परचेस करना है और आप अपने वीडियो पर उसको ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों पहले जो टेंशन होता था कि हम अपने वीडियो पर कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाएंगे, शॉर्ट वीडियो पर अपने बैकग्राउंड म्यूज़िक या फिर कोई सॉन्ग लगाएंगे तो हमें कॉपीराइट क्लेम आता था, तो वहीं हमें डर जाता था कि यार कॉपीराइट क्लेम आ गया है, अब हम क्या करें, और हम उस वीडियो को डिलीट कर देते। लेकिन अब डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, कॉपीराइट क्लेम अब नहीं आएगा। आप कोई भी म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक, कोई भी सॉन्ग आप अपने यूट्यूब वीडियो के लिए चॉइस कर सकते हो, उस पर ऐड कर सकते हो और आपको अपने वीडियो पर मन चाहे म्यूज़िक लगाने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, छोटा सा कमेंट कर दीजिए। और YouTube फैमिली के लिए मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप मेरी YouTube फैमिली हो, आपको बहुत बहुत दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो पे कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो YouTube और मोबाइल से रिलेटेड मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और अपना ख्याल रखिएगा।